सो फाइनली हीरो कंपनी अब अपने स्प्लेंडर प्लस को 125cc इंजन ऑप्शन के साथ भी लॉन्च करने वाली है, जिसपे दोस्तों आप लोग को पहले के मुकाबले अब ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों स्प्लेंडर प्लस 125 पे जो है अब आप लोग को प्रोजेक्टर, LED हेडलैम्प के साथ जो है डिजिटल मीटर कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे काफ़ी सारे फीचर्स जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को इसी हीरो कंपनी की ओर से आने वाली ऑल न्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस 125 के बारे में बताने वाला हूँ कि इस बाइक को दोस्तों कब तक हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च कर दिया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा तो इसकी प्राइसिंग क्या कुछ रहेगी, साथ ही साथ बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए स्प्लेंडर प्लस 125 के लुक्स के बारे में, तो लुक्स तो दोस्तों आप लोग इस बाइक का देख ही रहे हैं जो कि देखने के मामले में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। और इसका जो लुक है दोस्तों ये आप लोग को ऑलमोस्ट जो पैशन की एक्सटिंग आती है उसी की तरह देखने को मिलेगी। तो आप लोग बताएं कि आप लोग को इसका जो लुक है ये आप लोग को कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखेगा। बाकी दोस्तों स्प्लेंडर प्लस 125 के फीचर्स के बारे में बताऊं तो इस पे दोस्तों आप लोग को फीचर्स भी काफी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों इस बाइक में आप लोग को फ्रंट पे प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग को इस बाइक पे जो है ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इस बाइक पे जो है आप लोग को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जा रहा है, जो कि दोस्तों सेम आप लोग को पैशन एक्सट्रैक पे जो आप लोग को यहां पर मीटर कंसोल देखने को मिलता है आपको वही डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है, जिसपे दोस्तों आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ जो है आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों बता दूं कि बाइक पे जो आप लोग को IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया जा रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों बाइक पे जो है आप लोग को i3S टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, जिस वजह से दोस्तों बाइक की जो फ्यूल है वो थोड़ी सी और सेफ हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को सेफ्टी वाइज साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर तो देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे फीचर्स तो काफी अच्छे खासे देखने को मिलते ही हैं। बाकी अगर मैं आप लोग को इंजन के बारे में बताऊं तो इस बाइक पे दोस्तों सेम आप लोग को ग्लैमर 125 और सुपर स्प्लेंडर 125 पे जो आप लोग को इंजन देखने को मिलता है आपको वही इंजन दिया जाएगा स्प्लेंडर प्लस 125 पे, जो कि दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे 124.7cc का आप लोग को एयर कूल इंजन दिया जाएगा, जो कि दोस्तों BS6 फेज 2 इंजन होगा। तो इसका मतलब दोस्तों बाइक पे जो है आप लोग को OBD2 सेंसर के साथ जो है E20 केपेबल इंजन दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों जो 20% एथेनॉल वाला फ्यूल होता है वो आप लोग इस बाइक पे यूज कर पाएंगे। पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो लगभग दोस्तों आप लोग को 10.72 BHP तक की पावर और 10.6 Nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि ये जो बाइक है दोस्तों ये 5-speed गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आएगी, जिसपे दोस्तों आप लोग को सेल्फ स्टार्ट के साथ किक स्टार्ट भी दी जाएगी। यहाँ पे मैं आप लोग को माइलेज के बारे में बताऊँ तो लगभग दोस्तों आप लोग को 50-60 KMPL के बीच में आप लोग को इस बाइक से माइलेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को इसके प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो स्प्लेंडर प्लस 125 का जो प्राइस है ये लगभग दोस्तों आप लोग को 1,00,000 रुपए से लेकर 1,10,000 रुपए के बीच में आप लोग को ऑन रोड देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोग को इस बाइक के लॉन्च के बारे में बताऊं तो इस बाइक को दोस्तों इस साल के एंड तक या फिर 2024 के मिड तक में जो है हीरो कंपनी हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च कर सकती है। तो अब आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेकर, नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखेगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को यह जो वीडियो है यह आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।